नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाक कला चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं घर में घी कैसे बनाए, वो भी शुद्ध और ताजा। और गाय का घी और भैंस के दूध का घी भी हम पहचान सकते हैं आसानी से घर में बनाते समय। गाय का घी हम बनाते समय तो उबाल नहीं आता है जब गैस पे चढ़ाते हैं, पर जब वो लाल होने के बाद एकदम एंडिंग के टाइम वो काफी ऊपर उफान करके आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और भैंस के दूध में स्टार्टिंग में उफान आता है और लास्ट में नहीं आता, ये सबसे बड़ी पहचान है गाय के घी की और भैंस के दूध के घी। तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, बेल बटन पे और आइकॉन पे दबाएं। और कुछ हमें सजेस्ट करना चाहें या और आपको जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और आप थोड़ा बहुत लाइक करें, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड तो चले दोस्तों, हम बनाते हैं। ये हमारी 4-5 दिन की मलाई है स्टोर की हुई फ्रिज में। इसके लिए अभी हम इसको मेल्ट करेंगे, और इतना मेल्ट करेंगे कि ये काफ़ी थिक हो जाएगी। काफ़ी थिक होने के बाद फिर ये पानी छोड़ेगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और आप अपने हाथ से बनाए हुए घी और बाहर के घी से आप मैच करेंगे और कितना फर्क है ये भी महसूस करेंगे। तो देखिए, ये मैंने 2 मिनट पहले मलाई को मिक्स किया और वो इस तरीके से ये थिक हो गई है। अब ये और थिक होके पानी छोड़ेगी। हाँ, और ये देखिए, हम इसको मिलाते मिलाते ऐसे फेंटते फेंटते अब ये पानी छोड़ने लगा है, और थोड़ा सा और करेंगे तो ये अच्छे से पानी छोड़ देगा। ये देखिए, हमने काफ़ी मिक्स करने के बाद ये हमारा मक्खन अलग हो गया और इसका दूध अलग हो गया। ये इसी में से निकला है। हाँ, मैंने पानी भी एक नहीं डाला है और मैंने मिक्सर भी नहीं चलाया है, फुली हैंड वर्क है। और इसको हम पानी को अलग कर लेंगे एक साफ बर्तन में। ये देखिए, ये हमारा दूध है और इसको हमें फेंकना नहीं है। ये अभी साफ पानी से हम इसको धोएंगे। कम से कम 3-4 बार इसको धोना है हमें, जिससे ये जितना भी है साफ हो जाएगा मक्खन हमारा, उतना अच्छा घी हमारा दानेदार बनेगा। तो हमें इसको ऐसे मिक्स करते हुए इसको धोना है घी को। तो जितना भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे धोएंगे, उतना हमारा दानेदार घी बनेगा। और इसको मैंने फिर से उसी पानी में निकाल लिया है ऐसे। फिर एक थोड़ा सा पानी डाला साफ, और फिर हम उसी प्रकार से धोएंगे मक्खन को। तो मुझे ये स्टोर की हुई मलाई में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसके लिए हमने मिक्सर का भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि हाथ से ही अच्छे से हो जाता है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 10-15 मिनट में हमारा मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बन के तैयार जाता है। ये देखिए, ये हमने 4 पानी से धो के निकाल दिया है, अभी ये लास्ट है। और ये लास्ट पानी जब हमारा ऐसा आने लगे, साफ पानी अलग बिल्कुल साफ दिखने लगे, तो हमें इसका धोना बंद कर देना चाहिए और ये पानी एकदम से निकाल। ये देखिए, हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है घी बनने के लिए। और ये पानी हमने 3 बार निकाला है इसको धो के, तो ये पानी हमें फेंकना नहीं है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम का है, और जो 2 टाइम का पानी था वो हमने फेंक दिया है। तो ये हमारा पानी 2 दिन अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, हमारा ये दही तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी पौष्टिक रहेगा और पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आशा है आप लोग फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो फेंकती नहीं हूँ। और नहीं, कुछ नहीं खाने का नहीं स्वाद आ रहा है तो उससे आप हेयर वॉश भी कर लेंगे, उससे आपके बाल बहुत चमकदार रहेंगे, डेंड्रफ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ ये पानी आप फेंकें नहीं, किसी ना किसी रूप में यूज़ करें। आप इससे बॉडी वॉश भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ रहेगा आपका बॉडी। तो
और इसको हम ढक के रख देंगे। अभी हम इस पर घी बनाएंगे। इसको हम मीडियम आंच में एकदम स्लो आंच में रखेंगे, तेज फ्लेम नहीं करेंगे, एकदम स्लो। एक ही स्लो में हमें पूरा घी रेडी करना है आंच को, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हमें जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसको हमें मिलाते रहना है। ये देखिए कुछ रहता है ना कि एक ही टेम्परेचर पे हमने बनाया, हमारा बहुत स्पेशल है तो इसके लिए हमने टेम्परेचर एक ही रखना है और कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कम ज़्यादा करने पे हमारा घी जल सकता है नीचे से और उसमें स्मेल आएगी जो कि अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से एक ही टेम्परेचर में हमें सावधानी के साथ ये हमें घी बनाना है। तो ये देखिए हमारा घी बन रहा है, बस थोड़ी ही देर में बनने वाला है। काफ़ी हद के लिए मैं अभी मिनट हो चुका हूँ। ये देखिए जो पिछले हफ्ते मैंने घी बनाया था उसका जो पानी था उसका मैंने दही बना लिया, और ये दही हमारा काफ़ी यूज़फुल है। आप चाहें तो इसको खा सकते हैं, चाहें तो इसको आप भाजी बना सकते हैं, और चाहें आप इसको आप उपटन के रूप में भी बॉडी वॉश कर सकते हैं, और अगर आप दही ना बनाएं तो वो छाछ के रूप में भी आप पी सकते हैं जो कि बाज़ार में याकल्ट के रूप में मिलता है। तो ये हमारा काफ़ी यूज़फुल है। ये देखिए हमारा घी कुछ ही सेकेंड में अब रेडी होने वाला है, और ये नीचे का जो खाज है ये रेड हो रहा है, ब्राउन हो जाएगा, हम बंद कर देंगे। और ये देखिए इसमें फेने आने शुरू हो गए, जैसे जैसे ये ब्राउन होना शुरू होगा वैसे वैसे फेना ऊपर को आएगा, इतना ऊपर आ जाता है कि आपका घी नीचे भी गिर जाएगा। इसके लिए जैसे ही लाइट ब्राउन हो आपको गैस बंद कर देनी है, बस इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है क्योंकि वो पान नहीं आने देना है अपने को, और अपने को ये रेडी से एकदम करना है ब्राउन, जिससे डार्क ब्राउन हो जाए, नहीं तो घी कच्चा रहेगा और हम स्टोर भी नहीं कर सकेंगे ज़्यादा दिन तक। कच्चा घी ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं हो पाता है हमारा, इसके लिए हमें इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए हमारा घी बिल्कुल रेडी हो गया, ये नीचे की जो एक्स्ट्रा मलाई थी मक्खन ने छोड़ दिया और ये घी बन गया है, और ये नीचे की जो खा एकदम बेकार सी मलाई है वो निकल के आ गई है और रेडी हो गई। अब ये देखिए ऊपर आने लगा है और हम इसको गैस को बंद करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊपर आके ये पतीले से भी बाहर आ सकता है। ये देखिए ऊपर, ये हमारी पहचान है गाय के घी की बनाने की, लास्ट में इसका उफान आता है, और भैंस के दूध की मलाई की अगर हम घी बनाएंगे उसमें पहले ये उफान आता है। तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये उफान गाय के घी में बाद में आता है और भैंस के घी में पहले आता है। ये असली पहचान है हमारे असली घी की। तो ये देखिए मैंने घी को ये छान लिया थोड़ा ठंडा होने पे, और ये छन के भी इस तरीके से ये घी येलो है। गाय का दूध, हमारा दूध भी येलो रहता है, मलाई भी येलो रहती है, घी भी येलो रहता है और मक्खन भी येलो रहता है, ये नेचुरल येलो है। इसको जमने के बाद भी इसका कलर येलो ही रहने वाला है। ये गाय का घी इस तरीके से बनने के बाद भी येलो ही रहेगा, ये ठंडा होने के बाद इस तरीके से दानेदार घी बन जाएगा। ये देखिए अभी हमने फ्लेम बंद किया है, तो जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये नीचे बैठता जाएगा और आपका घी एकदम नीट एंड क्लीन आ जाएगा। उसको आप इसको एकदम ठंडा भी ना होने पाए, हल्का सा गुनगुन में ही आपको डबल छन्नी से, ये देखिए डबल छन्नी एकदम बारीक छन्नी से इसको छान के लेना है,
और छानने के बाद आपका घी जब बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये हमारे पिछले हफ्ते का घी है, ये देखिए बिल्कुल दानेदार घी। हाँ, ये शुद्ध देशी गाय का घी दानेदार है। इसको हम जितना भी पुराना होने देंगे, स्टोर करके रखेंगे, ये साल 2 साल भी नहीं खराब होने वाला है। और ये जितना पुराना होगा इसकी क्वालिटी बढ़ती ही जाएगी। तो आशा है आप लोग घर में यूज़ करेंगे, घर में बनाएंगे देसी घी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ हमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपके ही कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करेंगे आगे कुछ नया करने के लिए। और मैं सिंपल तरीके से, मेरी रसोई है और मैं भी सिंपल तरीके से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने धातु की वस्तुएं यूज़ करती हूँ, मैं प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो प्लीज़ आशा करती हूँ आप लोग भी प्लास्टिक की चीज़ों में खाना बनाना अवॉइड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।